आप देख पा रहे हैं एनर्जेटिक है और यहाँ इंडिया के साथ लोग गोधरा इंटरनेशनल मैराथन के लिए वार्म अप कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में वडोदरा के लोग जुम्बा के सुरताल पर अपने आप को वार्म अप करते हुए फिट इंडिया की मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं। एक लाख 34,291 134,291 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के रिकॉर्ड ब्रेक रजिस्ट्रेशन है और 11th एडिशन में लोग बढ़ चढ़कर फिर एक बार दौड़ रहे हैं। Very good, down. 10 किलोमीटर मैराथन का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 1 और फ्लैग ऑफ के साथ 10 किलोमीटर के रनर्स दौड़ लगा चुके हैं। 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा आप देख पा रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन पिछले 11 साल से हो रहा एक बेहतरीन आयोजन जो सभी को फिट रहने के संदेश के साथ आयोजित होता है। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की 10 किलोमीटर के लिए फ्लैग ऑफ और नवलखी मैदान से रनर्स वडोदरा शहर के अलग अलग स्थलों से गुजरने के लिए यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से इंटरनेशनल वडोदरा मैराथन की तैयारियां हो रही हैं और आखिरकार आज वो दिन जब सभी लोग मैदान में उतर पड़े हैं और सभी ने एक के बाद एक फ्लैग ऑफ के साथ दौड़ना शुरू कर दिया है। आपके कदमों की आवाज उन शख्सियतों को सुनाई चाहिए। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन स्टेज से सभी का हौसला बढ़ाते हुए। फिट इंडिया के साथ फ्लैग ऑफ हो रहा है 10 किलोमीटर रन का और यहाँ जगह जगह वही नारे गूंज रहे हैं, फिट रहे इंडिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक मिशन जिसमें इंटरनेशनल वडोदरा मैराथन बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहा है और उसे साकार भी कर रहा है। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन को सफल बनाने में पूरी टीम लगी हुई होती है। बहुत सारे लोगों की मेहनत है जो बहुत वक्त से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। उन्हीं में से एक हेमाबेन चौहान हमारे साथ है। हेमाबेन, क्या कहेंगे आज के इस माहौल के लिए और इस आयोजन के लिए? हमारे मेरी यहाँ ड्यूटी है, जो बड़ौदा के बड़े बड़े संत हैं उनको हम इनवाइट करते हैं हर साल मैराथन में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो जो संत लोग आते हैं उनको मुझे इनवाइट करके यहाँ पे उनकी सरबराह करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से ये मैराथन तेजल बहन की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे पे भरोसा रख के मुझे ये ड्यूटी सौंपी है और हर साल में नए साल शुरू होते ही हर संतों के आशीर्वाद मुझे मिलते हैं। सो आई एम लकी टू वर्क विद द मैराथन। नए साल की शुरुआत है, 7 जनवरी का आज दिन और ठंडी की सुबह भी वडोदरा दौड़ रहा है और ये हेमाबेन चौहान जैसे लोगों की जो मेहनत है उसकी बदौलत दौड़ रहा है।